कांग्रेस ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान के तहत पद यात्रा निकाली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर स्वयं इस पद यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और फीडबैक भी ली। आपको बता दें कि इससे पहले जिला में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त की अगुवाई में 22 नवम्बर को बड़सर और 28 को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी पद यात्राएं निकाली जा चुकी हैं। ये पद यात्रा भ्रेड़ी के ट्याला से शुरू हुई और भुक्कड़ में जाकर सम्पन्न हुई। इस पद यात्रा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार, जिला व ब्लॉक कांग्रेस भोरंज के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार को चारों खाने चित किया है, बावजूद इसके कांग्रेस प्रदेश में पद यात्रा निकाल रही है। लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी लंबे समय से चुनाव नहीं जीत पाई, उन विधानसभा क्षेत्रों में वे स्वयं पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से पार्टी चुनाव जीत नहीं सकी है। प्रदेश में 22 क्षेत्र से चयनित किए गए हैं, जहां पे प्रथम चरण में इन विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही द्वितीय चरण भी शुरू किया जाएगा और पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से गंभीर है और कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए, ये ठीक है कि अभी हमने जो 4 उपचुनाव जीते हैं, एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की है, एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि शायद पहली बार हुआ है एक दल जिसकी केंद्र में सरकार हो, हिमाचल में सरकार हो, उसके बावजूद भी जो है वो चारों खाने जो है हमने चित किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उत्साहित होकर जो है संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें। आपने देखा होगा कि परिणाम के एकदम बाद हमने पूरे प्रदेश में जन जागरण यात्रा शुरू की। हमारे जो पार्टी के नेता हैं, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वो चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो केंद्र सरकार की या हिमाचल सरकार की गलत नीतियां हैं, उन नीतियों से लोगों को आगाह करा रहे हैं और जो दुष्प्रचार ये सरकारें कर रही हैं उसे भी लोगों को चेताने का प्रयास हो रहा है। मैंने जो है स्वयं तय किया है कि उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस पार्टी पिछले काफ़ी सालों से चुनाव नहीं जीत पाई है, वहां मैं खुद जो है पदयात्रा में शामिल हो रहा हूं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, उनका उत्साह बढ़ा रहा हूं और ज़मीनी हकीकत समझने का प्रयास कर रहा हूं। आज मेरा ये 10वां चुनाव क्षेत्र है। मैंने जो है पांवटा साहब से शुरू किया, उसके बाद आज जो मेरा पहला चरण है वो भोरंज में जो है ख़त्म होने वाला है। और भोरंज में भी आप जानते हैं कि लगभग 34-35 सालों से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है, तो मैं ऐसे क्षेत्रों में खुद जा रहा हूँ। लगभग 22 क्षेत्र हमने ऐसे चिन्हित किए हैं पूरे प्रदेश में, तो ये प्रथम चरण है। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद मैं अपना द्वितीय चरण शुरू कर दूंगा और 19 तारीख से हमारी जो सदस्य अभियान है वो भी हमने शुरू कर दिया है और जोरों शोरों से हमारी सदस्य चल रही है। तो 2022 को लेकर हम बिल्कुल गंभीर हैं, हम कहीं भी कोताही और लापरवाही जो है नहीं बरते। पुलिस कर्मचारियों द्वारा जताए जा रहे विरोध और मेस का खाना छोड़ने पर कुलदीप राठौर ने कहा कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाती तो ये नौबत नहीं आती। पुलिस कर्मियों के साथ नाइंसाफी हुई है। प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही फोर्स की अगर अनदेखी हो रही है तो इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार को पुलिस कर्मचारियों के संगठन के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए तथा इस तरह की घटनाओं से प्रदेश की जनता का मनोबल भी गिरता है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मी हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब ऐसी फोर्स जिस पे दायित्व है कि वो प्रदेश की सुरक्षा करे, जब उनकी कोताही होगी तो निश्चित तौर पे वो भी अपने आवाज़ उठाएंगे। तो ये मुझे लगता है इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इसके लिए जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है कि बार बार जो है वो पुलिसकर्मियों की उपेक्षा करें, पहले ही उनको बुलाते, बात करते, उनका जो संगठन है उनसे बात करते। तो ये नौबत नहीं आ सकती थी। मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं वो नहीं होनी चाहिए,
इससे प्रदेश में जो जनता है मनोबल गिरता है जनता का, क्योंकि चुनाव के समय उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी। अब मुझे इससे ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मैं खुद दौरों पे रहा हूँ, लेकिन इस बारे में जो भी होगा सच्चाई होगी उसको उससे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि कहाँ से हुआ।